नमस्कार, साहित्य तक के बुक कैफे के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं। आज शुक्रवार है और वादे के मुताबिक मैं एक कविता संग्रह, क्या कहूं, ये खंड काव्य है जिसका नाम है पांचाली की पंडवानी। इसकी रचनाकार हैं उर्मिला शुक्ल। पांचाली की पंडवानी नाम अपने आप में बड़ा ही अलग तरह का नाम है। उर्मिला शुक्ल छत्तीसगढ़ की लेखिका हैं और उनके लेखन में छत्तीसगढ़ झलकता है, स्त्री स्वर झलकता है। उन्होंने द्रौपदी से तीजनबाई और तीजनबाई से उर्मिला शुक्ल तक की जो यात्रा हो सकती है, पीढ़ियां बदलती गई लेकिन स्त्री को मनुष्य न समझे जाने की दृष्टि बाधा वैसी की वैसी है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ बल्कि इस खंड काव्य की भूमिका लिखते हुए स्त्री जीवन की उत्तर गाथा इस शीर्षक से अनामिका ने भूमिका लिखी। और उनका कहना है कि यह एक अच्छी बात है कि भारतीय साहित्य में भी आने वाले समय में स्त्री की आवाज़ को स्वर मिला है और द्रौपदी की कथा को, जो कथा है, जिस तरह से तीजनबाई से होते हुए पांचाली की पंडवानी को पंडवानी गायिका ने से अलग ढांचे में जोड़ती है, वह भी इसमें दिखता है। यह खंड काव्य जो है वह पांच खंडों में बटा है और जो उसके मन के अलग अलग भावों को करता है। स्वकथन में उर्मिला शुक्ल भी वो बताती हैं कि किस तरह से उन्होंने गांधारी की विवस्था से शुरू किया और कुंती से होते हुए वह द्रौपदी पर आती हैं और द्रौपदी के मन के भावों को वह किस तरह से छत्तीसगढ़ी समाज में लोक गायन में तीजनबाई ने उतारा था और तीजनबाई के भी मर्म को वो किस तरह से इस पुस्तक में लाती हैं। मैं कविता संग्रहों पर अपनी राय देने की बजाय सामान्य तौर पर कविताएं पढ़ता हूं, चूँकि ये खंड काव्य है यानी शुरू से आद्योपांत इसको पढ़ेंगे आखिर तक तब आपको इसका मूल भाव समझ में आएगा। लेकिन कुछ खंडों को, कुछ हिस्सों को मैं पढ़ता हूँ ताकि आपको समझ में आ सके कि यह खंड काव्य आपको क्यों पढ़ना चाहिए। मैं शुरुआत का पहला पृष्ठ ही पढ़ रहा हूँ। कुरुक्षेत्र का विकराल युद्ध महत्वाकांक्षाओं का था मेल, आरोप लगाना स्त्री पर पुरुष सत्ता का पुराना खेल। क्या द्वापर क्या त्रेता युग, हर युग की यही कहानी, कथा कभी सीता बनी कभी द्रौपदी बनी कहानी। दोष लगाना नारी पर सदा ही रहा आसान, दोषी बनाकर नारी को बन जाता पुरुष महान। हस्तिनापुर का आसन जब बना युद्ध का कारण, सत्ता की लालसा विकट युद्ध ही रहा निवारण। महाभारत की गाथा यह जिसे कहते यहाँ पंडवानी, शैली कभी कपालिक तो कभी वेदमती में बखानी। गूंज रही दुनिया में छत्तीसगढ़ की ये पंडवानी, अलग अलग सी लगती सबको तीजन की बानी। अब मैं इसका एक छोटा सा दूसरा हिस्सा उठाता हूँ। जब एक तरह से द्रौपदी का विवाह होता है, स्वयंवर में उनको जीता जाता है तो उनके क्या भाव थे। वरमाला के संग संग गुद गए थे नेह सुमन, झुकी हुई थी पलकें विकल हुआ आलुक कुलमन। प्रेम पुष्प ही गुथा हुआ रहा प्रेम ही धागा, वरमाला भी प्रेम की प्रेम ही मन पागा। इधर बद रहा नेह बंध उधर अहंकार उठा फुक्कार, छत्राड़ी की वरमाला पर होगा ब्राह्मण का अधिकार। कुपित हुई सभा सारी चमक उठी थी तलवार, सन्नद्ध हुए सब छत्री करने अर्जुन पर वार। क्रोधित हो उठे अर्जुन गूंज उठी धनुष टंकार, करना ही होगा युद्ध मन ने किया विचार। जो लोग महाभारत की कथा को पढ़े हैं उनको पता होगा कि अर्जुन ने उस समय छद्म रूप धारण किया था, ब्राह्मण के वेश में थे जब उन्होंने स्वयंवर को जीता था महाराज द्रुपद के शर्त को। तो द्रुपद के शर्त को उन्होंने जिस रूप में जीता था और लक्ष्य भेद करके द्रौपदी को, तो उसका वर्णन इन्होंने किया। इसके अलावा एक और खंड, तीसरा खंड पढ़ता हूँ। जब अर्जुन पांचों पांडव वहाँ से लेके कुंती के पास पहुँचते हैं और कुंती क्या कहती है, उसका जो भाव है इसमें, पार्थ कुछ तो बोलो क्यों हो ऐसे मौन, निरपेक्ष रहोगे यदि तुम फिर साथ गएगा कौन,
संपूर्ण हृदय दिया तुमको, उसको बांटूंगी मैं कैसे, बहते जल का बंटवारा मैं कर पाऊंगी कैसे। पार्थ तुम हो मेरे, मैं हूँ सिर्फ तुम्हारी, मेरी वरमाला के भी केवल तुम थे अधिकारी। कहो पार्थ तुम सबसे, कोई और नहीं अधिकारी, लक्ष्य वेध कर पाया तुमने, तुम ही हो मेरे अधिकारी। चुपचाप खड़े थे अर्जुन, चुप थी उनकी माता, एक वचन की खातिर चुप थे सारे भ्राता। वस्तु की तरह अपने बटने की सुनकर बात, काट मार गया था मुझको लगा था घातक आघात। आप समझ सकते हैं कि एक स्त्री मन की क्या भावना है। और मैं अब आखिरी हिस्से का कुछ खंड काव्य का पढ़ रहा हूँ। नारी भी पशुता को जब कर लेगी अख्तियार, नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा हमारा यह सुंदर संसार। दोष नहीं नारी का, नहीं है वह कमजोर, भावनाओं में ही बहकर हो जाती कमजोर। भावुकता नहीं है कमजोरी, है सृष्टि का आधार, भावुक मन न रहेगा मिट जाएगा यह संसार। अगर आप इस खंड काव्य के माध्यम से द्रौपदी की व्यथा कथा को, उसके जीवन के उत्कर्ष को, उनके जीवन में आए उतार चढ़ाव को समझना चाहते हैं तो इस खंड काव्य को खरीद कर पढ़ सकते हैं। न्यू वर्ल्ड पब्लिकेशन ने इसको प्रकाशित किया है। मूल्य 200 रुपये है, पृष्ठ संख्या है 112। उम्मीद है कविताओं पर आधारित हमारा यह कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अगर आप कविताओं के प्रेमी हैं तो हर शुक्रवार को मेरा यह कार्यक्रम देखना ना भूलें। आपको किसी न किसी कविता संग्रह की जानकारी मिलेगी। हर दिन एक दिन एक किताब में मैं पुस्तकों के बारे में जानकारी देता हूँ। शनिवार और रविवार मैं यह बताता हूँ कि कौन सी पुस्तकें मिली हैं। सुबह 10 बजे बुक कैफे देखते रहें, हर दिन किताबों के बारे में जानकारी पाएं, किताबें खरीदें, पढ़ें, अपने को ज्ञानवान बनाएं और हमारे कार्यक्रम के बारे में अपनी राय से जरूर अवगत कराएं। धन्यवाद।